यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर के छात्र ने वीडियो बनाकर भारत सरकार से गुहार लगाई है। छात्र ने बताया है कि उन्हें पता चला है कि रूस की तरफ से सीज फायर रोक दिया गया है, पर यूक्रेन की तरफ से सीज फायर नहीं रोका गया है। ऐसे में उन्होंने कहा है, भारत सरकार से निवेदन है कि वे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को यहाँ से जल्द निकाल लें। आपको बता दें, वीडियो भेजने वाला बुलंदशहर का छात्र अनुज दर्जनों भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन में फंसा हुआ है। नमस्ते, मैं अनुज कुमार, छठे वर्ष का स्टूडेंट सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी से। आज यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। हम सब के लिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि रशियन साइड से सीज़ फायर रोक दिया गया है, मगर अभी तक यूक्रेनियन साइड से सीज़ फायर नहीं रोका गया है, जिसकी वजह से हमको इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोगों को एक सेफ पाथ चाहिए जिसकी वजह से हमारी जान और माल को नुकसान ना हो। इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं, कृपया करके यहाँ पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस थोड़ा तेज़ी लाई जाए उसमें, ताकि हम लोगों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।